इधर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उत्तराखंड में भी देखने को मिला। चीनी सैनिकों ने भारत के चरवाहों को सीमा से चले जाने को कहा। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जारी तनाव का असर उत्तराखंड के बाराहोती सीमा पर रहने वाले गांव वालों पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। यहां चीन के गश्त लगा रहे सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को सीमा से दूर रहने की चेतावनी दे दी और चरवाहों ने कोई खतरा मोल न लेते हुए नीचे उतरने में ही अपनी भलाई समझी। जबकि हर साल ये चरवाहे सर्दी शुरू होने से पहले बॉर्डर छोड़ते हैं। बॉर्डर छोड़कर नीचे आए चरवाहों का कहना है कि 2 से 3 बार चीनी सैनिकों ने उनके टेंट भी फाड़ दिए हैं। चीन सेना ऐसे 2 बार आए थे, वो मतलब 2 चक्कर आए थे हमारे बेड़े पर। उन्होंने कहा भाई यहाँ तक शर्त हमारा है, नाला है एक, वो नाले से उधर आप चले जाओ, मतलब कोई इतराज नहीं है। सबों को बॉर्डर में हमारे पहले टेंट फाड़ा था वहाँ जो बराहोती में थे, वहाँ टेंट फाड़ा। किसने, भारत सेना ने फाड़े या चाइना सेना? चाइना ने। अच्छा, आपकी टेंट फाड़ी गयी। आपको बता दें कि ये चरवाहे ही भारतीय सेना के सूचना तंत्र का भी काम करते हैं, लिहाजा इनके सीमा से हटने से सेना का संपर्क सूत्र टूट सा गया है। दरअसल चीनी सैनिक दूर दराज की वीरान पड़ी भारतीय सीमा के अंदर जब दाखिल होते हैं तो यही चरवाहे भारतीय सैनिकों को इसकी सूचना देते हैं, जिसके बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम करते हैं। किरण कांत शर्मा, न्यूज़ वॉल इंडिया, बाड़ाहोती बॉर्डर।